मूली के पराठे तो आपने बहुत बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल अलग तरीके से मूली के लच्छा कुलचे बनाएंगे, जो देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूली के लच्छा कुलचे बनाना। तो कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे और अब एक छन्नी लेंगे। इसमें 2 कप ग्राम में 200 ग्राम मैदा डालेंगे। आप मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं या फिर दोनों को आधा आधा ले सकते हैं। आधा छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी और स्वाद अनुसार या फिर 1 छोटे चम्मच नमक डालेंगे और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1/4 कप दही डालेंगे। इसके लिए हमें ताजा दही लेना है और सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। हमने मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है और इतना आटा गूंथने में हमें 75 ml पानी लगा है। अब डो को ढककर 15 मिनट का रेस्ट टाइम दे देंगे, जब तक हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए हमने 2 मीडियम साइज की मूली ली हैं। सबसे पहले मूली को छीलकर इसका छिलका अलग करेंगे। अब मूली को कद्दूकस करेंगे। मूली को मोटे होल वाले कद्दूकस से कद्दूकस ना करें, इसे बारीक या फिर मीडियम कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे। मूली को कद्दूकस करने के बाद इसे छलनी में ले लेंगे और निचोड़कर इसका अतिरिक्त पानी निकाल देंगे। इस तरह से ये देखिए, इसका सारा पानी आसानी से निकल गया है। अब पैन गरम करेंगे, 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो 1 चम्मच जीरे डालेंगे। जीरे जब चटकने लगे तो इसमें 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट या दरदरा कूटकर डालेंगे। इसे 30 सेकेंड तक भूनेंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 4-5 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च को दरदरा कूट लिया है। अब हमने जो मूली को कद्दूकस करके रखा था वो डाल देंगे। सभी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। आंच मीडियम या धीमी रखेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब आंच बंद कर देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फिलिंग को एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर हमारा आटा भी सेट हो गया है। प्लेटफॉर्म को थोड़ी सी मैदा से डस्ट करेंगे। डो को मसलकर 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अब इन टुकड़ों को गोल करके इनकी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से। अब डस्टिंग करेंगे और 1 लोई लेकर लंबाई में बेलेंगे। आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लें। अब मूली की फिलिंग को बीचों बीच रखेंगे। रोटी के दोनों तरफ के किनारों को मिलाकर चिपकाते जाएंगे। अब इसके ऊपर तेल अप्लाई करेंगे ताकि इसकी लेयर एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब फिर से डस्टिंग करेंगे और हल्के हाथ से बेलेंगे। इसके बाद थोड़ी सी कटी हुई धनिया डालेंगे और हल्का सा बेलन से बेलेंगे जिसमें हरा धनिया चिपक जाए। ये देखिए, इस तरह से मूली का कुलचा बनकर तैयार है। अब इसे हम सेकेंगे। तो अब पैन गरम करेंगे और कुलचे को पैन में रखेंगे, धनिया वाला साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। कुलचा जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो इसे पलट देंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे।
कुलचा जब दूसरी तरफ से भी सिक जाए तो फिर से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी एक चम्मच तेल डालेंगे और कुलचे को दोनों तरफ से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेंकेंगे। मूली के लच्छेदार कुलचे बनकर तैयार हैं। इसे दही के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर।